सो हेलो, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निशांत और आज होने वाली है अनबॉक्सिंग। और आज मैंने अपनी शर्ट चेंज कर ली है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार तुम एक ही टी शर्ट पहनते हो हर वीडियो में। वो टी शर्ट मैं इसलिए पहनता हूँ क्योंकि वो टी शर्ट जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैं वो पहनता हूँ। और अभी मैंने ये पहनी है, इसमें प्रेस भी नहीं हुआ है क्योंकि प्रेस ख़राब है और बाहर जा नहीं सकते हैं। तो फिलहाल अभी इसी से काम चलाएंगे और आज होगी एक अनबॉक्सिंग। एक पैकेज आया है डेनमार्क से, तो उसको खोलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या चीज़ है उसके अंदर। और जो भी आइटम है मुझे मालूम है क्या आइटम है, लेकिन मैंने अभी तक खोला नहीं है। मैंने कहा पहले कैमरा में खोलेंगे सीधा पहली बारी, तो दिखाता हूँ मैं क्या है। तो ये है हमारा वो पैकेज और इसको आप करते हैं अनबॉक्स। तो ये हमारा कैंपिंग नाइफ है, इसी से हम अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं और सब कुछ काम इसी से ही हो जाते हैं। अगर इसकी धार थोड़ी कम हो जाएगी तो दूसरा कैंपिंग नाइफ खरीदना पड़ सकता है बाद में, अगर इसको हम अनबॉक्सिंग में यूज़ करते रहेंगे। बाकी पैकिंग तो, अरे भाई बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं इसके अंदर। एक ये पैकेट है, एक ये है, ये क्या है भाई, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। तो एक ये है, एक ये है और ये है। तो क्या क्या खोलूँ पहले, पहले ये खोल, ये थोड़ा सा खुला हुआ है। तो ये है सेट पैक वालों का फोल्डिंग पोर्टेबल चेयर। तो ये फोल्डिंग पोर्टेबल चेयर कैसी है ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले दूसरे पैकेट में भी देख लेते क्या है। आई थिंक दूसरे में भी सेम चीज ही है, शायद दो भेजेंगे ना मैं, दूसरे में भी सेम चीज है जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही है, दूसरे में भी सेम आइटम है। और अब जो मिस्ट्री है वो ये है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है ये है मिस्ट्री। तो इसको भी खोल के देख ही लेते हैं, और आइटम तो नहीं है पता लगेगा। इसके अंदर भी वही लग रहा है मुझे, लेकिन दूसरा मॉडल है। इसके अंदर भी वही है सिट पैक, लेकिन ये मॉडल जो है इसका अलग है। और क्या है, एक्स्ट्रा फुट, ये कुछ एसेसरीज हैं जो उसमें बाद में यूज कर सकते हो आप एक्स्ट्रा, ये भी वही है और ये भी वही है। तो सबसे पहले खोल रहा हूं मैं ये वाला पैकेट सिट पैक। This is a chair. तो ये एक चेयर है, तो ये एक चेयर है, तो वो आप सोच सकते हो इसके अंदर एक चेयर है। इसके अंदर क्या आया है, ये नॉन स्लिपिंग पैड हैं, इनको लगा के ये स्लिप नहीं होगा। और क्या ये इंस्ट्रक्शंस है, ये जो सेट पैक है ये एक तरह से पोर्टेबल चेयर है। इसको आप कहीं भी, आप पब्लिक प्लेसेस में यूज़ कर सकते हो बैठने के लिए। मतलब जैसे कि बहुत क्राउडेड एरिया है और आपके पास चेयर नहीं है, कहीं पे बैठने की जगह नहीं मिल रही है आपको, तो ये आप कैरी कर सकते हो साथ में अपने, ताकि आप कहीं पे भी बैठ सको अपने आराम से। और ये छोटा सा है, इसको आप आराम से अपने बैकपैक में रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ एक बार कि ये चीज़ क्या है एक्चुअली, खुलने के बाद कैसी है। शायद आपने कहीं YouTube वीडियोस में देखी होगी, मेरे को भेजा उन्होंने, तो मैंने कहा चेक करके देखते, कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। तो ये ऐसे खुल जाता है और फिर ये लॉक हो गया। अब इसके जो लेग्स हैं ऐसे खुल जाते हैं, और ये बिल्कुल ट्राईपॉड की तरह है, जैसे ट्राईपॉड के लेग्स होते हैं वैसे ही है। और ये नीचे जाके लॉक हो जाता है, अब ये लॉक हो गया है और अब इसके ऊपर आप बैठ सकते हो। बाकी अभी क्या है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है, आप अवॉइड करना चाहते हो पब्लिक प्लेसेस में कहीं ऐसे बैठना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो जैसे कि बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर और पार्क्स वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप
जो बेंचेस होते हैं उन पे नहीं बैठना चाहते क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम है। ये और ये दोनों सेम चीज़ है तो एक ही खोलूंगा मैं, दोनों खोलने की जरूरत नहीं है। इस पैक पर बना हुआ है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसको बहुत सारी जगह यूज़ किया जा सकता है, लेकिन पॉइंट ये है कि कौन इसको यूज़ कर पाएगा, कौन इसको यूज़ करना चाहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में ऐसी चीज़ें जल्दी यूज़ करते नहीं हैं। लेकिन जो भी है देखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये कुछ इस तरह की है, ये तो अलग आइटम है, बिल्कुल ही अलग है, देखने में कुछ ऐसा है। और अब इसको मैं असेंबल करके देखता हूँ ये कैसे असेंबल होता है। तो ये कुछ इस तरह से सेटअप होता है, और ये जो वाला हिस्सा जो है यहाँ पर आकर ये लॉक हो जाता है। आई थिंक थोड़ा ये डिफिकल्ट है यार इसको यूज़ करना। हाँ ये लॉक हो गया, आवाज़ आ गई टक, और यहाँ पे आप बैठ सकते हो। तो इस समय मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं सिट पैक के, एक ये है सिट पैक, ये जो है पुराना मॉडल है और ये काफ़ी बेसिक डिज़ाइन है, आप देख सकते हो उसमें कुछ भी ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, कोई बिल्कुल बेसिक है कि मतलब नॉर्मल जो डिज़ाइन होता है वैसा डिज़ाइन है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए हैं। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये थोड़ा टिपिकल है और इसको यूज़ करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो है एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो यूज़ करना ईजी हो जाएगा। और ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा हल्का है, ये थोड़ा सा भारी है लेकिन ये बहुत हल्का है, इसको आप आराम से उठा सकते हो, बहुत ही बहुत ज़्यादा हल्का है। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक वाला जो है थोड़ा भारी है और ये वाला जो है थोड़ा हल्का है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं ये दिखाता हूँ। तो ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, मुझे जो लगा ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, और इसको यूज़ करना भी काफ़ी इजी है। बस ऐसे आपको रखना है और अपनी तशरीफ़ इस पर टिका देनी है और आप आराम से बैठे हुए हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली और आप गिरोगे भी नहीं देखो, और आराम से बैठ के आप आराम से कुछ भी इंजॉय कर सकते हो, पार्क में बैठ सकते हो ऐसे। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इस पर बैठने के बाद आप थक जाओगे, इसके बाद इसके ऊपर आप कम से कम आराम से भी तो आधा घंटा तो आराम से बैठ सकते हो। ये जो है पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, तो थोड़ा कुशन वगैरह नहीं है इस पर, लेकिन है ये भी कंफर्टेबल और काफ़ी इजीली मैं इस पर भी बैठा हुआ हूँ। और ये स्किड भी नहीं कर रहा है कि अगर ये पीछे खिसकने लगे, ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी तरह की सरफेस पे इसको यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसके साथ इसका कवर भी आता है, ये इसका कवर है, इसके साथ मैंने इसमें इसका स्ट्रैप लगा दिया है, और फिर अब आप इसको इसके अंदर यूं ऐसे फिक्स करके इजीली कहीं भी ले जा सकते हो। ये हो गया पैक, और अब इसको आप आराम से ऐसे यूज़ कर सकते हो, आराम से कहीं भी ले जा सकते हो। ये आपका सिट पैक आपके पास रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। तो बेसिकली यही था इसका आइडिया, एक छोटा सा प्रोडक्ट रिव्यू था। तो ये था छोटा सा एक अनबॉक्सिंग वीडियो सिट पैक का। तो सिट पैक वालों ने ये डेनमार्क से मुझे भेजा है और मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में बताइए और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे प्रोडक्ट्स, यूनिक से प्रोडक्ट्स अनबॉक्स करता रहूँ, तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट में बताओ कि इस प्रोडक्ट की इंडिया में क्या वैल्यू रहेगी, क्योंकि आई थिंक अभी ये इंडिया में नहीं मिलता है, और अगर मिलेगा भी तो इसका प्राइस क्या होगा मुझे नहीं मालूम है। अभी जो इसका प्राइस है वो मैं ऑनलाइन चेक करके आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, क्योंकि ये तो मुझे कंपनी ने भेजा है रिव्यू करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो अभी तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो था, आगे कभी टेस्ट करूंगा तो उसका वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, लाइक ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबा देना, और टाटा बाय बाय।